दूर से कुछ ऐसा लगता है भाई। ठीक है, सो बैकग्राउंड के नॉइज़ को इग्नोर करो। तो हेलो गाइस, कैसे हो आप सब? होप कि सब बढ़िया होंगे। और अभी देख सकते हो भाई, पिछले वीडियो में देखा होगा कि दोनों व्हील कवर मैंने इंस्टॉल किया था। सो ऐसा कुछ लग रहा है। और भाई आज अभी फिनिशिंग देने वाला है इसका। सो व्हील कवर में जो है ना भाई, अभी स्टिकरिंग अपना यूट्यूब का हंटर पपाई जो नाम है यूट्यूब के लोगों के साथ वो लगने वाला है। और सामने का पूरा खोल के इसके ये जो ये LED ब्लिंकर्स है, सो आई में मॉडिफाई करने वाला हूँ कि मैं जो इंडिकेटर में हैजर्ड होता है ना वो वाला मैं डालने वाला उधर। ठीक है, ऐसे ब्लिंक करेगा। और इसका रेट आई पूरा पूरा डीप रेट करने वाला हूँ, पूरा मतलब खोलना पड़ेगा। सो कुछ ऐसा लगेगा। और रैप की सोच रहा हूँ, अभी कंफर्म नहीं रैप होगा कि नहीं होगा, बट हलो अभी चलते हैं, देखते हैं कि क्या होता है। तो आज का हम करने वाले हैं कि इसके आई को पूरा डीप रेट करने वाला है और आई में ब्लिंकर लगाने वाले हैं इसके। सो ठीक है, सो चलो अभी चलते हैं दुकान पे जाके, मतलब देखते हैं कि क्या कुछ कितना होता है। सो भाई इसको पूरा खोलना पड़ेगा, ठीक है, इसको पूरा खोलना पड़ेगा। सो अभी चलते हैं, ठीक है। सो भाई अभी निकले हुए हैं, ठीक है। तो बेसिकली स्टिकर दुकान इधर में, तो पूरा खोल के इधर में आना पड़ेगा। तो जल्दी से चलते हैं, आई थिंक शाम हो जाएगा यार करने में। तो लेट्स सी कि कितना टाइम लगता है भाई, क्योंकि खोल के खोलना पड़ेगा, फिर इधर में आना पड़ेगा, स्टिकरिंग भी कंप्लीट करना पड़ेगा। तो भाई अभी आ चुके हैं, लेट्स सी कि कितना भीड़ है, जल्दी से करना पड़ेगा यार, देर नहीं कर सकता। तो आप लोग सिनेमैटिक इन्जॉय करो, ठीक है, चलो। गाड़ी का हाल देखो, ऐसा कुछ है और लाइट सामने है। तो अभी स्टिकर दुकान पे ऐसे ही जाना पड़ेगा।
भाई सो भाई सो भाई, इतना खोल के भाई कुछ नहीं हुआ यार। यार मैं मतलब जानता ही नहीं था कि फ्लासर मतलब हैदर फ्लासर जो होता है वो आई में काम नहीं करेगा। तो भाई फिर से मतलब सिर्फ जो आँखें हैं जो एलईडी ब्लिंकर से, तो वो एलईडी रह गया, मतलब रेड रेड करके छोड़ना पड़ा। तो चलो भाई अपना लेबर चेस्ट तो गया पूरा, कुछ काम का नहीं हुआ। और भाई मेरे को मतलब बहुत दिनों से ये थी कि वो वाला लगाऊं, आइस में ब्लिंकर लगाऊं, तो यार गया बस, अब क्या ही बोल सकते हैं। तो जो ब्लिंकर्स होता है आइस के लिए, एलईडी डीआरएलएस के लिए बेसिकली, तो वो अलग होते हैं ना, तो ये इंडिकेटर वाला हैज़र्ड प्लस और काम नहीं करता उसमें। तो भाई अपना तो पूरा कट गया भाई, छोड़ो अभी ऑनलाइन से ऑर्डर करूँगा, फिर आके लगाना पड़ेगा। तो अभी जो नया वाला हैज़र्ड प्लस है वो इसमें लगाया है, ये थोड़ा अलग पैटर्न है। तो पिछले पहला वाला ही ठीक था, तो ये उतना कुछ खास नहीं है भाई, ठीक है। तो नेक्स्ट बार जब मैं चेंज करवाऊँगा तो इसको चेंज करके जो पिछला वाला था उसको डाल दूँगा, ठीक है। तो भाई मूड अभी ख़राब हो रहा है बहुत, तो अभी लुक देख लो इसका, उसके बाद बात करते हैं। तो भाई जो आई का मतलब कलर चेंज किया है तो ऐसा कुछ लग रहा है, देख सकते हो। तो पहले से ज़्यादा रेड है, तो पहले इतना ज़्यादा रेड नहीं था, अभी पूरा साड़ था, ठीक है। तो दूर से कुछ ऐसा लगता है भाई, ठीक है। तो बैकग्राउंड के नॉइज़ को इग्नोर करो, तो फ्लैशर तो नहीं लग पाया। तो अभी इंतज़ाम करूँगा उसका, ऑनलाइन में देखा है अभी। तो इंडिकेटर का नया जो नया फ्लैशर है वो इंडिकेटर में लगाया, तो दिखा देता हूँ आपको। तो कुछ अलग अलग पैटर्न है, तो पिछले वाले इंडिकेटर का कुछ अलग पैटर्न था, तो नया वाले का कुछ अलग पैटर्न है। तो ये मेरे को पसंद नहीं आया, तो पिछला वाला ही लगाऊंगा अभी, ठीक है। तो चलो कुछ ऐसा लग रहा है लुक, तो अभी इंतज़ाम करते हैं आइस के लिए कुछ। तो तब तक के लिए वीडियो देखते रहो, ठीक है। चलो और भाई इसका एक बार अच्छे से लुक दिखा देता हूँ आपको, ठीक है। ये देखो पूरा ब्लैक पेन था भाई अंधेरे में, एक सेकेंड, ये देखो दूर जाता हूँ भाई दूर, देखो सिर्फ आँखें ही दिखेगी इसका भाई, बहुत ही खतरनाक लग रहा है, ठीक है। चलो अगले वीडियो में मिलते हैं।